एकजुट रुख करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। आपातकाल के दौरान अंतरिक्ष सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम के तहत जेल में बंद किए गए बंदियों को पेंशन दी जाती थी। राजस्थान सरकार मीसा बंदियों को दोबारा पेंशन देने पर विचार कर रही है। अब इससे कोई भी सरकार आगे से बंद नहीं कर पाएगी। भजनलाल सरकार इसके लिए एक्ट लाएगी। सरकार इस पर मंथन कर रही है। सांसद अमराराम दिल्ली राजस्थान हाउस से संसद के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर रवाना हुए। सांसद अमराराम ने कहा, देश की सरकार ने 13 महीने तक राजधानी में जिस ट्रैक्टर किसान को नहीं घुसने दिया, आज वही किसान और ट्रैक्टर संसद तक पहुंच रहा है। बता दें, अमराराम ने किसान आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। अमराराम का ट्रैक्टर पर संसद के लिए रवाना होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान के मामले में प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में डूंगरपुर जिले में भी भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने आज कलेक्टर पर मंत्री दिलावर के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर मोर्चे के लोगों ने शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकते हुए आक्रोश जताया। वहीं मोर्चा ने कलेक्टर को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को पद से हटाने और आदिवासियों से माफी मांगने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 जून को होगा। राष्ट्रपति 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 28 जून को शुरू होगी। प्रधानमंत्री द्वारा 2 या 3 जुलाई को इस चर्चा पर अपना जवाब देने की उम्मीद है। दिल्ली के रीछ क्षेत्र में पेड़ों की कटाई की मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना पेड़ों को काटा गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए के उपाध्यक्ष को अवमानना नोटिस भेजा था। राजधानी दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट परीक्षा मुद्दे पर संसद भवन घेराव के लिए मार्च निकाला। इस दौरान एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथ में पोस्टर और बैनर लिए नजर आए। अब नीट पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश में गर्माता जा रहा है। जमानत पर रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। देश के टॉप कोर्ट ने जमानत पर फैसला देने से इनकार कर दिया है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। बता दें, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। हालांकि हाई कोर्ट ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के दौरान निचली अदालत के फैसले पर स्टे लगा दिया था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, क्या भाजपा का पुराना तरीका है? अगर आप इतिहास देखें तो भाजपा की सरकार में पेपर लीक हुए हैं। उत्तर प्रदेश में यह सबसे बड़ा सवाल निकल कर आया है। आप जानबूझकर पेपर लीक कर रहे हैं जिससे नौजवानों को नौकरी और उन्हें उनका आरक्षण ना मिल जाए। तो बच्चे मांग रहे हैं वही होना चाहिए। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का 100 MGD पानी प्राथमिकता के आधार पर दिलाने का हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। सऊदी अरब के मक्का शहर में भीषण गर्मी पड़ रही है। यह गर्मी इस साल अब तक 1300 से ज्यादा हज यात्रियों की जान ले चुकी है। इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हज यात्री भी शामिल है जो कुछ समय पहले ही हज के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे। आज खबर दिन भर में इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे। शुक्रिया।